स्टूडेंट लाइफ अर्थात पढ़ाई लिखाई का जीवन, यह समय हमें सबसे ज्यादा सिखाता है, सबसे ज्यादा अनुभव देता है और हम सभी लोग एक लंबी यात्रा से गुजरे हैं। हम सभी लोगों ने इस जीवन को जिया है। हम बहुत समय से सुनते, पढ़ते और दूसरों को देख के महसूस करते आए हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरीवन डोर्स एट वंस। आइए मैं इस वाक्य की सार्थकता और महत्व आपको समझाता हूं। यदि हमें अवसर मिले तो हमें उस अवसर को सफलता में बदल देना चाहिए, क्योंकि अवसर और मौके बार बार नहीं मिलते। मिले हुए अवसरों को सफलता में बदलना ही एक कर्मठ व्यक्ति की और सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। नई शिक्षक भर्ती 51,000 से अधिक पदों के लिए आने को है। यह एक बड़ी परीक्षा है। बहुत सारे लोग इसका सपना देखे हैं, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखे हैं और यह 2021 वह वर्ष है, वह समय है जब आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। शिक्षा मित्रों के लिए तो एक अंतिम अवसर की तरह है, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि आप को पढ़ने लिखने और लिखने के बाद ही इस परीक्षा को पास करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के बाद अब तय समय है 120 से 125 दिन का, कि 120 से 125 दिन में आपको न केवल पढ़ना है बल्कि उस लेवल पर पढ़ना है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ी है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार कंपटीशन जीवन में हैं, तो आप लोगों के लिए चुनौतियां थोड़ी सी ज्यादा है। तैयारी के साथ बहुत सारी बातें मन मस्तिष्क में रखनी है, अंकों को मन मस्तिष्क में रखना है, क्योंकि केवल पास ही नहीं होना है बल्कि अच्छे अंकों से पास होना है, क्योंकि यहां पर आप जितने अच्छे अंक अर्जित करेंगे उतना ही फायदा आपको फाइनल मेरिट में होगा। और अच्छे अंक एक या दो दिन में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है। 14 भागों का आपका एक विशाल पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम को हमें कैसे तैयार करना है, हमारी तैयारी की रूपरेखा क्या हो, इन्हीं सब बिंदुओं पर, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आज के ये वीडियो है। और यह वीडियो उन सभी सदस्यों के लिए है जो हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं बैच में, नहीं ले रहे हैं, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो समान रूप से उपयोगी है। वीडियो को अंत से देखिए। इतना मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को अंत से देखते हैं तो आपकी सुपरटेट की तैयारी की एक दिशा तय होगी और आज से आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे और आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें वास्तव में किस प्रकार से प्रारंभ करना है, क्योंकि मैं पाठ्यक्रम से लेकर सारी चीजों को इस प्रकार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज से आपको एक विजन मिल सके 120 दिन का कि कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। यदि परीक्षा की तैयारी की बात करें तो तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन तैयारी से पहले की भी एक तैयारी होती है। उस तैयारी को आपने किया है कि नहीं किया है, ये सफलता के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी अध्ययन सामग्री का चुनाव कैसे होना चाहिए, आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की प्रकृति और समझ को आपने देखा है कि नहीं देखा है, पिछले प्रश्नोत्तरों को देखकर या पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नोत्तरों को देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। विषयवार अंकों की एक व्यवस्था पहले से आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, जिससे जब आप पेपर देने जाएं तो आपका टारगेट सेट रहे कि इस विषय में अधिकतम प्राप्त करने की सीमा क्या है और न्यूनतम प्राप्त करने की सीमा क्या है और सबसे पहले हमें किस विषय को देखना है। यदि इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो आराम से न केवल सफलता अर्जित की जा सकती है बल्कि 115 से 125 तक के अंक भी बहुत आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। और जब आप 130 का सोचेंगे, जब आप 135 का सोचेंगे तो आपको 120 और 122 प्राप्त होंगे। अगर आप 110 का सोचेंगे तो 90 प्राप्त होंगे, क्योंकि एग्जाम रूम का माहौल और दबाव बड़ा अलग होता है और घर का माहौल उससे बड़ा अलग होता है। अगर आप घर पर कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आप 120 पहुंच रहे हैं। विश्वास मानिए, ह्यूमन एरर्स के बाद एग्जाम रूम के माहौल में वही प्रश्नों की संख्या 5 कम जोड़ा करिए। आपने भी देखा होगा कि जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सब लोगों ने सही किए थे लेकिन आप सही नहीं कर पाए, वो आपको आते थे लेकिन फिर भी गलत हो गए। ये ह्यूमन एरर्स है, ये दबाव है, ये हम सबके साथ होते हैं। तो इन्हीं बहुत सारी सावधानियों पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं एक मिनट में संस्था की तरफ से एक जानकारी आपको देता हूं जो बहुत जरूरी है। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सुपर टेट का बैच प्रारंभ होने चल रहा है। 25 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फोन करके प्रवेश को प्राप्त कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है आप व्हाट्सएप करिए, यह नंबर है, इस पर आप एंट्री एस्टेट लिखकर हमें व्हाट्सएप भेज दीजिए। हमारी तरफ से पूरी जानकारियों का आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। और इस बैच में, इस कोर्स में क्या क्या है,
पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स है, लाइव डाउट सेशन है, डेली आपकी 6 घंटे की लाइव कक्षाएं हैं। हैंड रिटन नोट से हमारे यहाँ लगभग 85 से 90% प्रश्न आते हैं। पिछले वर्ष भी बहुत सारे व्यक्ति लोग ऐसे थे जो इस 69,000 में चयनित हुए हैं, जिन्होंने 120 से ज्यादा अंक अर्जित इसी संस्थान से किए थे। तो सुपरटेट में संस्थान को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं, बल्कि पिछले जो वीडियो गए हैं उन वीडियो के फीडबैक, रिव्यू, कमेंट आप स्वयं भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की अनुशासित टीम के साथ टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सुपर टेट का बैच प्रारंभ हो रहा है और सुपर टेट के बैच की प्रवेश प्रक्रिया 25 नवंबर तक खुली हुई है। आप आराम से अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। हम आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं देते, ये बिल्कुल फ्रेश बैच है। हम एक वर्ष में एक बैच लाते हैं और ये फाउंडेशन बैच है, 90 से 120 दिन का, जिससे आपकी विस्तृत तैयारी हो सके कि वास्तव में सुपर टेट को कैसे पास करना है, कैसे पढ़ना है। एक एक पक्ष पर 500 से 600 वीडियो क्लासेस के साथ, नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, 80 प्रैक्टिस सेट के साथ, डेली डाउट सेशन के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, लाइव डाउट डिस्कशन के साथ, ये सभी एक ही बैच के पैकेज में शामिल है। मैक्सिमम एफर्ट, मिनिमम फीस। ये तो होगी संस्था में चल रहे बैच में प्रवेश की बात। आइए अब उन बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपके अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, या वह गलतियां जो आपको अब नहीं दोहरानी है और पहले से किन तैयारियों को लेकर चल रहा है। सबसे पहले पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के अगर हम भाग और विषय देखें तो यहां पर आपको पहले से ही ये निश्चित करना होगा कि अधिकतम किस विषय की सीमा क्या है और किस विषय से आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, किस विषय से अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पिछले प्रश्न पत्रों को और प्रश्नों की अगर हम स्तर को देखें तो प्रश्न आपसे बहुत सतही पूछे गए हैं। आपको बहुत डेप्थ में जाके किसी भी पढ़ाई को नहीं करना है, बल्कि आसानी से आपको प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि आप सीखने वाली परीक्षा को दे रहे हैं ना, लर्निंग प्रोसेस वाली परीक्षा को दे रहे हैं। बहुत आसानी से आप अपने कंटेंट और मैटर्स को तैयार कर सकते हैं। यदि हम लोग देखें तो भाषा वाले हिस्से में आराम से 30 अंक तक प्राप्त किए जा सकते हैं और इनको बढ़ाया भी जा सकता है। तो अगर आप भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में पहले से ही लक्ष्य लेकर चलिए। देखिए, आपको यहां पर 125 अंक का लक्ष्य लेकर चलना है, 125 प्लस अंकों का, और 125 प्लस अंक अर्जित करना तभी संभव हो पाएगा तब आज से ही आपके सेक्शन वाइज या आपके विषय वार अंकों का जो लक्ष्य है वो आपके दिमाग में निश्चित होगा। जैसे भाषा में पहले से तय कर लीजिए, जब आप पढ़ाई करें या आप प्रैक्टिस करें तो आपके मन मस्तिष्क में पहले से निश्चित होना चाहिए कि यहां पर हमें 30 प्लस प्राप्त करने ही करने हैं, एट एनी कॉस्ट, किसी भी दर पर। आपको अपने पढ़ाई लिखाई का स्तर भाषा में इतना उठाना है कि यहां पर 30 प्लस अंक आराम से अर्जित किए जा सके। यदि हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान 10 नंबर का यहां पर है, यहां पर 8 लगभग मार्क्स पिछले प्रश्न पत्रों में भी प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि प्रश्नों का स्तर ऐसा था कि 8 तक हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। प्रश्नों का स्तर आपकी पढ़ाई लिखाई के स्तर पर भी डिपेंड करता है। अब प्रश्न इतने भी सतही नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें और आप 8 अंक अर्जित कर जाए, मतलब यहां पर आपको एक विशाल पाठ्यक्रम दिया गया, उस पाठ्यक्रम की एक अच्छी सी समझ आपको है, तो 8 नंबर तक यहां का आप लक्ष्य लेके चलिए, क्योंकि पिछली बार जो लोग चयनित हुए हैं उन्होंने 8 प्रश्नों तक यहां पर सही किया है। गणित की अगर 20 की बात करें तो आप संदीप सर के साथ या स्वतः अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15 प्लस आराम से यहां पे अर्जित कर सकते हैं, और 15 प्लस यहां पे आपको अर्जित करने ही होंगे, क्योंकि यही वो हिस्सा है या यही वो भाग है जहां पर आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स आप इकट्ठे कर सकते हैं। तो यहां पर घबराहट की बात नहीं है, 15 प्लस का लक्ष्य आप लेके चलिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो इतने कंफर्टेबल गणित में नहीं होते, लेकिन 15 प्लस का लक्ष्य लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से 13, 14, 15 तक आप प्राप्त करेंगे। जो लोग गणित में अच्छे हैं वो 18 भी कर सकते हैं और 20 भी कर सकते हैं और 19 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये इतना बड़ा हिस्सा है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कि इतने में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा भी हो जाती है और मेंस के चारों पेपर भी हो जाते हैं, तीनों पेपर अगर एथिक्स को हम छोड़ दें। उतना बड़ा हिस्सा केवल 10 नंबर में दिया गया है, तो यहां पर हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था और मैंने 35 में से 35 प्रश्न आपको यहां से हल भी कराए थे। क्लियर,
इस हिस्से को और इस हिस्से को हम जोड़ के अगर पढ़ें और थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं तो निश्चित रूप से हम यहां पर बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल यहां का जो हम मार्क लेते हैं वो हम 7+ अंकों का हम लेके चलते हैं कि 7+ अंक यहां से हमारे प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षण कौशल में आराम से 7 अंक तक प्राप्त किए जा सकते हैं। बाल मनोविज्ञान में 7 से 8 अंक आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सेगमेंट वाइज आप अपने अंकों को बांटिए। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 2 सेगमेंट 30 और 5 35 के हैं, यहां 35 में से मैं 34 अंक आपको निश्चित रूप से प्राप्त करवा सकता हूं। पिछली बार भी मैंने जो प्रश्न उत्तर दिए थे आपको, जो श्रृंखला दी थी, क्योंकि देखिए यहां पर जो करंट अफेयर्स आता है वो करंट अफेयर्स कनेक्ट होता है जीएस से, है ना। तो यहां पर जब मैं आपको ये पढ़ाता हूं ये वाला हिस्सा सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, तो मैं सामान्य ज्ञान को समसामयिक घटनाओं से कनेक्ट करके आपको पढ़ाता हूं। और यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी स्वयं मैंने ली है। तो यहां पर अगर हम 35 में से 34 अंक अर्जित करते हैं, 33 अंक अर्जित करते हैं, तो हमारे 125 तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहां पर करना है कि इसकी तैयारी की रूपरेखा यहां पर आपकी बहुत अच्छी हो। इसके बाद सूचना तकनीकी में से 5 में से 3 नंबर, क्योंकि सूचना तकनीकी का बहुत सारा हिस्सा मैं आपको करंट के साथ ही कवर करा देता हूं। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यहां से भी 8 अंक आपके प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि हम इन सब अंकों को जोड़े तो लगभग लगभग ये 123+ के आसपास आपके पहुंचते हैं। इस व्यवस्था को अगर हम फॉलो करें, मन मस्तिष्क में अगर हम इसको मान के चले कि हमें इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, तो इस प्रकार से हमारी तैयारी निश्चित रूप से हमें 123, 124, 125 तक पहुंचा सकती है। और मान लीजिए इतने अंक अगर नहीं आए, देखिए पास मत होइए, आप पहले से तय करिए कि आप ये परीक्षा दे रहे हैं, हमारे लिए अंतिम मौका है, पास तो आप हो चुके हैं, पास नहीं होना है। 120 अंक के साथ पास करिएगा, तब किसी के मन मस्तिष्क में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि अब ये वैकेंसी आई है तो हम अंकों की वजह से पीछे ना हो। तो देखिए अगर आप 2 महीने पहले सचेत होंगे तो निश्चित रूप से अंक कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बड़ा भाग है, बड़ा पाठ्यक्रम है। इतने बड़े पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए ईमानदारी से 120 दिन आपके लिपास होने जरूरी है। 90 से 120 दिन बेहतर तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे तो आप 122 तक पहुंच सकते हैं। और जिन लोगों को ये डर लगता है कि 90, 95, 100 से ज्यादा नहीं आएंगे, पिछली बार का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने बहुत सामान्य तरीके से चीजें की थी, बस हमारे क्लासरूम में जो लोग थे उन्होंने हमारी बात को माना, उन्होंने हमारे नोट्स को पढ़ा, और जब वो निकल कर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सर मान गए, इतने प्रश्न वहां पे उनको मिले थे कि बहुत सारे लोग 122 125 के आसपास थे। तो आप भी कर सकते हैं, वही समय है, वही परीक्षा है, वही पाठ्यक्रम है, और फिर से एक बार ईश्वर ने आपको मौका दिया तो इस मौके को भुनाइए। बाकी कितनी मेहनत से कितनी ईमानदारी से भुनाते हैं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हां अगर वास्तव में आपने सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखा हो तो 1 मिनट भी अपना जाया मत करिए, चाहे हमसे जुड़िए चाहे बिल्कुल मत जुड़िए। अगर आप स्वयं से भी तैयारी करना चाहते हैं तो यह मत सोचिएगा कि जनवरी फरवरी से शुरू कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तय मान लीजिए कि ये परीक्षा बहुत जल्दी होगी, टेट बहुत जल्द होगा, क्योंकि इस परीक्षा को लेना ही सरकार की अंतिम नियति है और ये परीक्षा होके रहेगी। आप अगर अंतिम समय का इंतजार करेंगे, एक टेट को आप याद रखिए, पिछली बार सुपर टेट की जब वैकेंसी आई थी तो केवल 30 दिन का समय देके आपको पेपर ले लिया गया था। फिर से अगर 30 दिन का समय देके गवर्नमेंट आपको पेपर ले लेगी तो उस 30 दिन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वैकेंसी आनी है, 51,000 से अधिक पद खाली है, आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए, आप फॉर्म का इंतजार मत करिए। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो तैयारी पूरी करने के बाद फॉर्म भरते हैं। तो तय कर लीजिए कि आपको किस हिस्से में रहना है। जो लोग तैयारी पूरी करने के बाद फॉर्म भरते हैं वो 123+ अंक या 125+ अंक अर्जित करते हैं और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करते हैं। जो लोग फॉर्म भरते हैं वो कहते हैं 85 नंबर आए 5 से रह गया, 90 नंबर आए 1 और आ जाता तो सिलेक्शन हो जाता। ये मलाल आपके जीवन में ना रहे, यहां आना है। आज से 1-1 मिनट आपका कीमती है, 1-1 मिनट का आप सही उपयोग करना प्रारंभ करिए आज से, बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आगे यदि हम लोग इससे बढ़ते हैं तो मैं एक चीज और यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की थोड़ा सा विविधता को समझने की कोशिश करिए। देखिए आपका पाठ्यक्रम दिया कैसे गया है, जैसे यहां पर लिखा है
भाषा हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी। विज्ञान में देखिए आपको स्पेसिफिक दिया गया है कि 10 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप देख लीजिए। फालतू की चीजें पढ़ते हुए आगे मत बढ़िए, 10 में से 8 प्राप्त किया जा सकता है। गणित सब दिया गया है कि कितनी चीजें आपको पढ़नी है। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को यदि हम लोग देखें यहां पर गौर से, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पे पर्यावरण नहीं पढ़ना है। पर्यावरण तो आप टेट में पढ़ के आए, यहां पे आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है। मैंने 4 पेज का नोट्स आपको रिकमेंड किया था अपने हाथ से लिखा हुआ, और 4 पेज से 4 क्वेश्चन आपको मिले थे। क्योंकि देखिए आप इस सिलेबस को गंभीरता से समझिए कि आपको वास्तव में पढ़ना है। ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसमें व्यक्ति पीसीएस आईएएस पास कर सकता है, और ये 10 नंबर में दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना। इससे कैसे निपटना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आइए तो सबसे पहले पिछले प्रश्न पत्रों को उठा के थोड़ा सा इस पर देखिए। प्रश्न बहुत सतही आए हैं, तो यह तय कर लीजिए कि हमें बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर करना है, सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? शिक्षा कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से। अब देखिए क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना है। सामान्य ज्ञान में देखिए स्पष्ट लिया गया, इसका मतलब कि सामान्य ज्ञान को करंट से जोड़कर आपसे पूछा जाएगा, और ये आपके 30 अंकों का पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपसे 30 में से 30 अंकों की जिम्मेदारी लेता हूं, एक प्रश्न भी मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस है, जैसे सीसेट में जब रीजनिंग आती है तो उनका पाठ्यक्रम अलग होता है, बैंक में जब रीजनिंग आती है उनका पाठ्यक्रम अलग होता है। सीसेट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं बैंक नहीं पूछता, एसएससी बैंक को नहीं पूछता। इन्होंने जितना सिलेबस रीजनिंग का होता है सब दे दिया, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरा सिलेबस केवल 5 नंबर पर। मैंने आपको पिछले वर्ष भी केवल 5 टॉपिक बताए थे, और उन्हीं 5 टॉपिक से आपको 5 प्रश्न मिल गए थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 में से 5 अर्जित करना है, और 10 दिन की पढ़ाई में ही 5 में से 5 सही कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें केवल यह होगा कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और 5 में से 5 अंक का उसी दिन मैं आपको बता दूंगा, उतना अगर तैयार कर लिए तो आप 5 पढ़ लेंगे। क्लियर? आइए आगे, सूचना तकनीकी है और जीवन प्रबंधन कौशल है। आप सभी लोग इस सिलेबस को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से सिलेबस को आप अपने पास रखिए, और इस सिलेबस को अपने पास रखने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए। देखिए एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, अगर आपको समझ में आए, सपोज करिएगा, समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए यह एक पेड़ है, दो लोगों ने इस पेड़ को काटना है, एक एक्स ने एक वाई ने। दोनों लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की। एक्स ने तैयारी क्या की, सबसे पहले पेड़ का झुकाव देखा, झुकाव के बाद उसने वार करने की दिशा को निश्चित किया, यह अपनी कुल्हाड़ी को धार देके घर से आया, यह अपने खाने पीने के सामान को लेके आया, और इसने अपने ऊर्जा वितरण को पहले से सही रखा। ऊर्जा वितरण को, क्या हमें कितनी देर काम करना है, कितनी देर के बाद रेस्ट लेना है। आप ऊर्जा वितरण का मतलब मान सकते हैं यहां पर टाइम टेबल से, कि इसने अपने टाइम टेबल को बहुत पहले से क्या रखा, सही रखा। एक व्यक्ति आया वाई, उसने सीधे कुल्हाड़ी ली और हिट करना शुरू कर दिया, है ना। देखिए वाई पेड़ काट नहीं पाया, वाई पेड़ काट नहीं पाया क्योंकि वाई थक गया, क्योंकि पेड़ काटने की तैयारी तो वाई ने की, लेकिन तैयारी से पहले की जो तैयारी थी उन टूल्स पर इसने काम नहीं किया। अगर हम किसी भी लक्ष्य के लिए जा रहे हैं और हम अपने टूल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, विश्वास मानिए हम थक कर वापस आ जाएंगे, हम उस पर सफल नहीं होंगे। इससे पहले आपने जितनी भी परीक्षाएं दी, अगर वहां पर आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी और आप सीधे पेपर देने चले गए, शॉर्टकट मार के, कम पढ़ के, कम अध्ययन करके, किसी की बातों में आके, गलत कोचिंग का चुनाव करके अगर आप चले गए, तो निश्चित रूप से आप वाई की अवस्था में इस वजह है, और आप 20 ऐसे पेड़ आपके जीवन के पहले निकल चुके हैं जिनको आप आज तक काट नहीं पाए। अवसर आपको मिला था काटने का, पेड़ का मतलब सफलता से आप, अवसर आपको मिला था काटने का, लेकिन आप काट नहीं पाए। आप अपने जीवन के उस पेड़ को काट नहीं पाए जिस पेड़ में बेरोजगारी लिखी थी। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। आपके साथ वाले लोग आपसे कम मेहनत करके, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर बिना प्लानिंग के 7 घंटे वार किया, आपसे कम मेहनत में इस व्यक्ति ने 3 घंटे वार किया, ये आपके साथी था, ये पेड़ काट लिया, ये बेरोजगारी के पेड़ को इसने काट लिया, और ये आज रोजगार हो गया, और ये आज बेटा सरकारी भी है और
असरकारी भी है। सरकारी तो ये गवर्नमेंट के लिए है और असरकारी ये समाज के लिए इफेक्टिव है आज समाज में। क्यों? इसकी रेपुटेशन ज्यादा है, क्योंकि इसने सफलता से पहले अपने सफलता के टूल्स पर कार्य किया। इसने जिस तरफ पेड़ का झुकाव था उस तरफ से इसने वार करना शुरू किया। इसने पूरा मौसम देखा, माहौल देखा, अपनी तैयारी पूरी की और अपनी टूल्स को कंप्लीट किया, और टूल्स को कंप्लीट करने के बाद हिट करना शुरू किया, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, और इसने अपनी बेरोजगारी के पेड़ को काट दिया। तो आपको तय करना है कि आपको यहां रहना है या आपको यहां आना है। यहां आना है अगर, तो आपको इसी जीवन में जीना शुरू करना पड़ेगा, इसी परीक्षा के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा, प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिश्तेदारियों को निभाना कम करना पड़ेगा, सोसाइटी को समय देना कम पड़ना पड़ेगा, 120 दिन फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप 120 दिन फोकस रह सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं 125 प्लस और आपकी सरकारी नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता। और आप अगर जीवन में टहलना चाहते हैं कि इतने सारे काम आए थे, ये भी एक काम है, तो निश्चित रूप में। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पढ़ने लिखने का जो टाइम टेबल होता है, जो शेड्यूल होता है, वो घंटे के हिसाब से बनाते हैं। जैसे इसने क्या किया, हम 3 घंटे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे। इन्होंने क्या कहा, हम 7 घंटे काम करेंगे। नहीं, देखिए, पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल कभी भी घंटे के हिसाब से हो नहीं सकता, क्योंकि घंटे के हिसाब से लेबर किया जाता है, श्रम किया जाता है घंटे के हिसाब से, ये लेबर का कार्य है। पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल हमेशा कंटेंट के हिसाब से होता है। बेटा, आप अपना पाठ्यक्रम रखिए और सुबह उठिए, अपनी डायरी में लिखिए, आज शाम तक हमें इतने कंटेंट को तैयार करना है ना, शाम तक इतने कंटेंट को तैयार करना है। अगर मान लीजिए आपने कहा एक चैप्टर हमें ज्योग्राफी में तैयार करना है ना, एक चैप्टर हमें साइंस में तैयार करना है, एक चैप्टर हमें मैथ का लगाना है, तो ये कंटेंट जब आप तैयार करेंगे तो कंटेंट आपको कॉन्फिडेंस देगा। जैसे चैप्टर आपका तैयार होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हाँ अपना एक कंटेंट पूरा कर चुके हैं, है ना। फिर दूसरा कंटेंट आप उसी मोटिवेशन में पूरा करेंगे, तीसरा कंटेंट उसी मोटिवेशन में पूरा करेंगे। आप देखेंगे कि पहले आप दिन भर के शेड्यूल में जब 4 कंटेंट से तैयार करना शुरू किए थे, आज आप 5 घंटे में 9 कंटेंट तैयार कर रहे हैं। जो लोग किताब लेके साथ में विविध भारती भी चलाते हैं, सुरैया का गाना भी सुनते हैं, छत पर से तीरंदाजी भी करते हैं, धनुष बाण भी चलाते हैं, सब जगह देखते रहते हैं, वो लोग 8 घंटा पढ़ते हैं और दिन भर में 2 कंटेंट तैयार करते हैं। मनोवृत्ति को बदलिए, आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई मत शुरू करिए, घंटे के हिसाब से लेबर किया जाता है। सबसे पहले अपने टाइम टेबल को फिक्स करिए, कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई लिखाई शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में और आपके पढ़ने लिखने के नजरिए में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। यार, आपके आसपास के ही लोगों ने तो किया है, आप जिनको देख रहे हैं उन्होंने ही किया है, उन्होंने मिले हुए अवसर को, मिले हुए मौके को पूरी तरीके से भुनाया है, तो आप भी भुना सकते हैं। उसी पृष्ठभूमि से वो भी थे, उसी पृष्ठभूमि में से आप भी थे, क्यों नहीं अपने अंदर झांक के देखते कि आप में कोई गलतियां नहीं होंगी। कुछ तो गलतियां नहीं होंगी, है ना, कुछ तो गलतियां नहीं होंगी, तभी तो आप यहां हैं, बताइए। तो और आपके साथ वाले जो सफल हुए हैं, उन्होंने दिए हुए समय का सही उपयोग किया, सदुपयोग किया, आई हुई वैकेंसीज का सही उपयोग, सदुपयोग किया, पहले से पढ़ाई लिखाई शुरू की, तो जो उन्होंने किया है अब वो आपके करने की बारी है, क्योंकि मौके अब बार बार नहीं आते। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर ये नौकरी आपसे बेवफाई कर रही है तो इसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। हो सकता है जितनी मेहनत अपने आप को इंप्रेस करने के लिए ये मांग रही हो, उतनी मेहनत आप इंप्रेस करने के लिए दे नहीं रहे हैं। ये तो व्यवहारिक पक्ष है, किसी को इंप्रेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी को इंप्रेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। करिए, सुरैया का गाना सुनना बंद करिए, विविध भारती सुनना बंद करिए, फोकस्ड रहिए, 4 घंटे पढ़ाई करिए, फिर तीरंदाजी करिए, विविध भारती सुनिए, सुरैया का गाना करिए, जीवन की लुकुर लुकुर को खत्म करिए। आपके जीवन में जो लुकुर लुकुर है वही दिक्कत कर रही है ना। आपके जीवन में स्थावित्व नहीं है, उस स्थावित्व को जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई में लाएंगे तो कतई दिक्कत नहीं होगी। मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हो, दो दो पीढ़ियों की जिम्मेदारी आपके पास है, कई लोगों की उम्र तो 32 साल हो गई है, कोई आपके पास 6 करोड़ रुपया तो है नहीं कि मॉल खोल लोगे, तो इसके बाद विकल्प ही क्या है। अंतिम विकल्प के रूप में लेते हुए इसको स्वीकार करिए, आज से ही जुट जाइए,
जितने भी लोग ऐसे होंगे जिन्हें वास्तव में नौकरी चाहिए होगी, वो आज रात से सोना बंद कर देंगे, उनका खून उबाल मारेगा, खोलेगा, किस चीज के लिए, कि हां हम करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक अपने अंदर जज्बा और आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे, आप अपने घर की परिस्थिति नहीं बदल सकते, समाज में अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते। परिस्थिति और परिस्थिति को बदलने का सबसे सही समय यह है, चाहे खुद से पढ़िए, चाहे हमारे साथ पढ़िए, चाहे जहां पढ़िए, लेकिन चुनाव हमेशा सही होना चाहिए, समय हमेशा सही होना चाहिए। चुनाव और समय अगर सही रहा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आपकी दिशा और दशा सही थी। उम्मीद है कि जो बातें मैंने की वो बातें ना केवल आपके लिए फायदेमंद होंगी बल्कि आपको जागरूक करने में भी मदद देंगी, और मैं ऐसे आपको झकझोरने के लिए आता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं, सदस्य हैं, जो पिछली बार एक एक दो दो नंबर से रह गए थे। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि समस्त चीजों को छोड़कर आप आज से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। सफलता के 1000 दोस्त होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि आपने कैसे प्राप्त किया है, व्यक्ति केवल ये सोचता है कि आपने क्या प्राप्त किया है। तो अल्टीमेटली व्यक्ति ये सोचेगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। तो क्या प्राप्त करने का सबसे सही समय है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि उठिए और इस वाले सुपर टेट को अंतिम अवसर के रूप में लेकर और मिले हुए मौके को भुनाइए। टारगेट बतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से जितनी मदद मुझसे होगी, हमारी टीम से होगी, हम आप सभी की करेंगे, है ना। बाकी मैंने सभी प्रक्रिया आपको बताई है। और थोड़ा सा भी मन में अगर ये डाउट हो कि आप स्वयं से नहीं कर सकते, तुरंत बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये निर्णय आपका जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा, आपके जीवन बदलने के लिए। आप कतई देर मत करिएगा। ऑनलाइन के अपने फायदे हैं। घर में बैठ के आप 6 घंटे में 12 घंटा का तैयार करेंगे। 6 घंटे जो हम बताएंगे उसको आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। और सुपरटेट में तो आपके 45 नंबर की जिम्मेदारी स्वयं मैं ले रहा हूं, तो घबराने की जरूरत क्या है। अरे जज्बा तो लाइए यार, इतने ढीले क्यों पड़े हो। अपने अंदर एक जज्बा तो लेके आओ। जज्बा लेके आओगे तो सफल जरूर होगे। उस जज्बे की बस कमी है। उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचरण हुआ होगा। और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि सर इस बार 125 लाना है, और आपकी अगर वो मनोवृत्ति, आपका वो जज्बा अगर दिखा, तो हम भी आपके लिए कर गुजरने को तैयार हैं। बस कमेंट में आपका वो जज्बा दिखना चाहिए, आपके अंदर वो आग दिखनी चाहिए कि हां इस बार आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।